चाचा चौधरी और ढोल की बोल। एक दिन चाचा चौधरी और चाची घूमने के लिए निकलते हैं। आओ भगवान, आज तुम्हें घुमा लाऊं। लेकिन तुम्हारे साथ जाने में मुझे डर लगता है। तुम जहाँ भी जाते हो मुसीबत खड़ी कर लेते हो। फिक्र मत करो भगवान, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। तभी चौधरी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है रख दो, नहीं तो तुम दोनों को मार डालूंगा। साबू, ये तुम बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। नालायक, मैंने तुझे इतने दिन खाना खिलाया पिलाया, हम खुद भूखे रहते थे, लेकिन तुझे हलवा पूरी की कमी महसूस नहीं होने दी। तेरे लिए हजारों रोटियां बनाते बनाते मेरे हाथ दर्द करने लगते थे, फिर भी मैंने तुझे कभी भूखा नहीं रखा। उसका बदला तू हमें ये दे रहा है। तभी साबू चिल्लाता है, खामोश, अपने जेवर उतार कर जल्दी से मेरे हवाले कर दो। और चाची अपने जेवर उतारने लगती है। कमबख्त, अगर इन जेवरों से तेरा पेट भरता है तो ले, मैं उतारे देती हूँ। और चाची उन जेवरों को साबू के कदमों में रख देती है। ये ले। इधर चाचा चौधरी, मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। चाचा चौधरी एक पौधे से कांटा तोड़ते हैं। ये कांटा शायद कुछ काम बनाए। चाचा चौधरी और साबू, चलो चौधरी, तुम भी अपनी जेबें खाली कर दो। अभी करता हूँ। चाचा चौधरी कांटा चुभोता है। ये ले। अरे छज्जू, भेद खुल गया, अब क्या करें? झगड़ो, भागो और जान बचाओ। तभी चाचा चौधरी लाठी लेकर उन दोनों को घेर लेते हैं। कहाँ भागते हो कमबख्तों? रबड़ का साबू बनाकर हमें ठगना चाहते थे, माफ कर दो। तभी साबू उन्हें आता हुआ दिखाई देता है। कहो चाचा जी, कहाँ अकेले घूम रहे हो? लो भाग्यवान, अपना असली साबू आ गया।